गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड. से आई एम फाइन, थैंक यू. रिपीट वंस अगेन एवरीवन, हाउ आर यू? यस, ओके. नाउ दिस इज योर हिंदी क्लास. कौन सी क्लास है ये आपकी? हिंदी. आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण. आज हम कौन सा विषय करने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण. सभी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तकें निकालेंगे. हिंदी व्याकरण तथा रचना. यस, एवरीवन टेक आउट योर बुक्स. सभी निकालेंगे. पार्ट नंबर 4 खोलेंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लिंग. यस, लिंग का मतलब जेंडर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिंग. यस, पाठ प्रवेश. सबसे पहले चित्र देखिए और लिंग बदल कर लिखिए. ठीक है, इन्होंने आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और इस साइड आपको कुछ शब्द दे रखे हैं. तो आप चित्र देखेंगे और शब्द देखेंगे. ठीक है, इसके अनुसार आपको क्या करना है? इनको बदलना है. ठीक है, जैसे कि सेठ. तो सेठ का क्या होता है? सेठानी. लिखिए यहाँ पे, जस्ट राइट इट डाउन. सेठानी. यस, राजा. अब यहाँ पे काय का चित्र बना है राजा के साथ? रानी. यस, रानी. अध्यापक. अध्यापक के सामने कौन सा चित्र है? ये क्या, कौन है? अध्यापिका. लिखेंगे अध्यापिका. डन. वेरी गुड. शेर. शेर के सामने कौन सा चित्र है आपका? शेरनी. लिखिए शेरनी. ये आप पाठ के अंदर प्रवेश करने से पहले इतना अपनी बुक की बुक का अभ्यास करेंगे. ठीक है, दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए. कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है जी. चित्र काय का है? मोर. एक और उसके साथ है, तो ये कौन है? मोरनी. ठीक है, इस वाले चित्र में देखेंगे ये लड़की और ये लड़का. ये क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं. ठीक है, इस वाले चित्र में मोर और मोरनी क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं. ठीक है, मोर मोरनी नाच रहे हैं. मेरे साथ बोलिए, मोर मोरनी नाच रहे हैं. यस, लड़का लड़की पढ़ रहे हैं. अब तीसरे चित्र में क्या है? किसान गाय और बैल को चारा खिला रहा है. ठीक है, किसान क्या कर रहा है इस चित्र में? गाय को और बैल को चारा खिला रहा है. ठीक है, चौथा चित्र है जिसमें क्या कर रहा है? नौकर क्या कर रहा है? नौकर पानी लेके जा रहा है और नौकरानी झाड़ू लगा रही है. ठीक है, नौकर नौकरानी काम में व्यस्त है, मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों काम करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है. हिंदी भाषा में सभी नाम पुरुषवाचक तथा स्त्रीवाचक होते हैं. ठीक है, हमारे पास जितने भी नाम होते हैं हिंदी में, वो कैसे होते हैं आपके? या तो पुरुषवाचक में आएंगे या फिर वो स्त्रीवाचक कहलाते हैं. ठीक है, या तो पुरुषवाचक कहलाएंगे वो शब्द, वो नाम, या फिर स्त्रीवाचक कहलाएंगे वो नाम. ठीक है, जैसे कि ऊपर दिए गए चित्रों में से कि अब ऊपर नाम चित्र बताए थे, मोर, ठीक है, लड़का, बैल और नौकर. तो ये शब्द कौन सी श्रेणी में आते हैं हमारे? पुरुषवाचक श्रेणी में. कौन सी श्रेणी में आते हैं? पुरुषवाचक श्रेणी में. ठीक है, और मोरनी, लड़की, गाय और नौकरानी, ये कौन सी श्रेणी में आती हैं? ये आती है आपकी स्त्रीवाचक. ठीक है, ये स्त्रीवाचक होने का बोध हो रहा है इसमें. ठीक है, काय का बोध हो रहा है? स्त्रीवाचक होने का. तो हमारी परिभाषा क्या होगी? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. जिन शब्दों से पता चलता है कि यह स्त्री है या पुरुष जाति का, तो उनको हम क्या बोलेंगे? लिंग बोलेंगे. ठीक है, जिन शब्दों, जिन नामों से हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति पुरुष जाति का है, पुरुषवाचक है या स्त्री,
तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ये लिंग कहलाते हैं। समझ में आया इतना सबको। लिंग के भेद, कितने भेद होते हैं लिंग के, लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं लिंग के, भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लिंग के, दो, पुल्लिंग भेद और स्त्रीलिंग। ठीक है, वेरी गुड। पुल्लिंग की परिभाषा, ठीक है, पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग जाति में जो जो शब्द आते हैं, जो उसमें प्रयोग होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, जैसे आदमी, गायक, घोड़ा आदि। ठीक है, इसमें आपका लड़का आ जाएगा। ठीक है, लड़का, नौकर, बैल, ठीक है, कुत्ता। क्या होती है पुरुष जाति, पुरुष लिंग की परिभाषा, पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुरुष जाति में जो प्रयोग होते हैं शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, स्त्री जाति के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं वो आपके, स्त्रीलिंग। तो जैसे कि औरत, गायिका, घोड़ी, ठीक है, आदि, लड़की, इन सबको हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे ये आपके, स्त्रीलिंग, इन सबको हम स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो कितने भेद होते हैं लिंग के, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके क्लास, नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट, ओके।